Subscribe now and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन शवारमा बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये बोनलेस चिकन लिया है। इसके हमने इस तरह के लंबे लंबे पीस काट लिए हैं। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे, इसमें हम ये चिकन डालेंगे। ये हमने एक लेमन का जूस लिया है, वो डालेंगे। ये एक चम्मच हमने नमक लिया है, ये डालेंगे। ये हमने दो चम्मच हमने तेल लिया है, ये डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हमने ये टमाटो पेस्ट ली है, तकरीबन 1.5 चम्मच, ये डालेंगे। दो चम्मच हमने दही लिया है, ये डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये हमने मसाले लिए हैं। ये हमने लहसुन का पेस्ट बनाया है, काली मिर्च 1/2 चम्मच, ये 1/2 चम्मच हमने दालचीनी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है। अच्छी तरह इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मसाला लगाकर तकरीबन 30 मिनट तक रखेंगे। अब हम पीता ब्रेड बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ये 2 कप हमने मैदा लिया है, ये हम डालेंगे बर्तन में। 1 चम्मच हमने चीनी ली है, 1/2 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हम ये यीस्ट लेंगे। ये 2 चम्मच हमने दूध लिया है। और ये हमने 2 चम्मच तेल लिया है। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म हमने पानी लिया है, ये थोड़ा थोड़ा डालकर हम आटे को गूंद लेंगे। आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे शीट ऊपर लगाकर 30 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे, फिर बनाना शुरू करेंगे। अब हम शवारमे के लिए चटनी बना लेते हैं। ये हमने दही लिया है 4 चम्मच, इसमें हम ये काली मिर्च का पाउडर लिया है, नमक और ये लहसुन का पाउडर लिया है, ये 3 चीज़ें डालेंगे। और साथ में हमने ये लेमन का जूस लिया है, ये डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
और ये हमने धनिया लिया है, ये डालेंगे। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम पिता ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। इसके हम पेड़े बना लेंगे। हम इतना इसे रखेंगे, ज्यादा पतला नहीं करेंगे। इसी तरह हम सारी पिता ब्रेड बना लेंगे। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3-4 चम्मच। इस तरह हम फ्राई करेंगे चिकन दाल। पहले हम इस तरह फ्राई करेंगे, फिर हम इनके छोटे छोटे पीस करेंगे, दोबारा एक कुक करेंगे फिर। हमने इसे हाफ कुक किया है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सारे चिकन को हमने रोस्ट कर लिया है, अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे, क्योंकि छोटे पीस जो होते हैं वो ही मज़े के लगते हैं। दोबारा इन्हें एक दफ़ा कुक करेंगे, अच्छी तरह कुक भी हो जाएंगे। हमने सारे चिकन के इस तरह के पीस कर लिए हैं, अब हम इसे दोबारा कुक करेंगे। हमारा अच्छी तरह कुक हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम शवारमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिता ब्रेड लेंगे। इस तरह हम इसके ऊपर ये जो चटनी बनाई है ये लगाएंगे। इस तरह सारे के ऊपर अच्छी तरह मार लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये चिकन रखेंगे इस तरह। अब हम इसके ऊपर सलाद रखेंगे थोड़ा थोड़ा। अब हम इसके ऊपर ये चिली सॉस लगाएंगे। अब हम ये कली लेंगे, इस तरह हम इसे रोल करेंगे। इस तरह हम कर लेंगे सारे रोल।
हमारा चिकन शवारमा बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा बना है, मज़े का है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।